दूसरा जो एक आज का एजेंडा था मेरा वो था थोड़ा IFRD को डिटेल में डिस्कस करना। तो हम लोगों ने प्रीवियस लैब सेशन में देखा था कि पॉलिसी क्रिएट करते वक्त सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस को, और इन एप्लीकेशंस को अलाउ किया हुआ है। लेट्स से आई वांट टू डिनाई सम एप्लीकेशन, मैं कुछ अलग से इसके ऊपर एक रूल बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जितने एप्लीकेशंस रिस्क लेवल 5 कैटेगरी में है एज पर द पालो आल्टो रिस्क 5 में, उन सारे एप्लीकेशंस को मैं एक रूल बना के, रादर देन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन, आई वांट टू ब्लॉक ऑल एप्लीकेशंस व्हिच कम अंडर रिस्क लेवल 5, या जो हाई रिस्क की एप्लीकेशंस हैं उनको एक सिक्योरिटी पॉलिसी से आई वांट टू ब्लॉक देम ऑल। सो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एप्लीकेशन फिल्टर क्रिएट करने की जरूरत है। कैसे क्रिएट होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन फिल्टर, फिल्टर करेंगे हम लोग एप्लीकेशन को, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या यूज करने जा रहे हैं, रिस्क लेवल। तो रिस्क लेवल के भी यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को फिल्टर कर देंगे, और फिर वो सारे एप्लीकेशन को एक सिक्योरिटी पॉलिसी से ही हम लोग डिनाई करा सकते हैं। और हालांकि कितने एप्लीकेशन उसमें आएंगे, इवन आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन से वो एप्लीकेशन हैं, और वो अगर हम लोग रूल एक इसके ऊपर बनाए, तो उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टैब पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन के ठीक नीचे, ठीक नीचे नहीं, उसके और नीचे एप्लीकेशन फिल्टर का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। हियर इज ब्लैंक, देयर इज नो एप्लीकेशन फिल्टर हियर, सो ऐड पे क्लिक करें आप यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा रिस्क लेबल 5 एप्स, ये तो जस्ट नाम है। अब आपको यहाँ पे किसी भी क्राइटेरिया से आप फिल्टरिंग कर सकते थे, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिस्क लेवल्स, यू मे कैटेगराइज एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी सब कैटेगरी कैटेगरी और मे बी देयर करेक्टरिस्टिक्स, बट लेट्स से मैं रिस्क लेवल पे ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, एंड टोटल देर आर 137 एप्लीकेशंस लाइक विच आर वेरी रिस्की, राइट, मतलब रिस्क लेवल 5 में है, वेरी रिस्की हाई रिस्क एप्लीकेशन, सो टोटल देर आर 137 हाई रिस्क एप्लीकेशन, सो आई वॉन्ट टू ब्लॉक देम ऑल 137 applications. So rather than selecting individual applications, what I can do, I can just give it a name here, any name, like meaningful name of course, and then mouse से मैं इसको select करूँगा सिर्फ। जैसे ही select करूँगा, नीचे वहाँ पे सारे वही applications आएंगे जो risk level 5 के अंदर होंगे, और let me select this 137 and look at the different options here. और यहाँ पे हम नीचे अब देखेंगे तो सिर्फ रिस्क लेवल 5 के एप्लीकेशंस हैं, ओनली रिस्क लेवल 5 एप्लीकेशंस, जितने भी ईमोल उमोल भी है सी के अंदर, ये भी एक तरीके से उसी टाइप का P2P एप्लीकेशन ही है। तो जितने पालो अल्टो की पर्सपेक्टिव से जो भी FTP को भी इन्होंने अलग प्लेस कर रखा है रिस्क लेवल 5 में, सो इवन FTP विल नॉट वर्क, इवन FTP भी नहीं काम करेगा अगर FTP पे हम जाएं तो। और अभी चेक कर लेंगे हम लोग। If you want to exclude some applications from RISC-V, then in that case? There are two options then, either we need to create a security policy on top of this, like on top of this risk level 5 applications, which allow condition, which permit action. Or maybe in this version, in fact, Palo Alto Firewall allows to modify risk level of certain applications as per your requirement. So even you may edit like this risk level, because it's as per the observation of Palo Alto Firewall, and it's not universal truth, like different vendors put different applications under different risk level category. For example, maybe Checkpoint FTP is under risk level 3 maybe, but Palo Alto risk level 5. So that varies from vendor to vendor. So there we could have two different options. Option number one, we may create a security policy above this which allow action, and option number two, then we can modify the risk level. So if security policy is above that which allows FTP, and then when it goes through this policy, service policy, and then it goes down, where the No, will not go down, because it's different from the standard routing behavior. Because what happens in routing, it always happens like router checks the
routing table, complete routing table, even though if router finds a matching route in the routing table, maybe on top of routing table, it still goes down and tries to find out the best matching route, longest matching route basically. So it checks all the route. But if we talk about security policy, so let's say security policy rule number one, it states that allow FTP no matter to which risk category this application belongs to. And rule number two states that block all risk level 5 applications, and FTP also comes under this category, risk level 5 category. Still FTP will be allowed kyunki rule number 1 se allow ho gaya, to ab FTP ke liye wo niche jayega hi nahi fir, to isliye allow ho jayega. Ha, agar this allow condition or security rule is below this risk level 5 jo block wala hai, to aisa hoga ki wo block ho jayega fir. And that is why sequence is very important here. And another option would be what, like could be like changing the risk label if Palo Alto Firewall allows us to change the default risk label, because this risk label is as per the Palo Alto observation, Palo Alto team observation, that this application could be risky or dangerous. But maybe if I know, like, you know, FTP is not risky, so I can change the risk label of FTP application. So that could be one of the way. 7.0 tak to nahi allow karte the ye log risk label change karne ka, isme abhi check kar lete hain hum log, because we are running 8.0, so I think we have the option to change the risk label. But ye dusra tarika ek ho sakta hai. To for example, abhi maine agar ye select kar liya, main usko dikhata hu change karne ka, abhi risk level 5 select kar liya aur okay kar liya agar yahan pe ye. Aur अब जो बात हो रही थी एप्लीकेशंस का, क्या हम लोग रिस्क लेवल चेंज कर सकते हैं कि नहीं, और अगर ये रिस्क लेवल मैंने कर दिया और वो चेंज अगर हम लोग एप्लीकेशंस पे जाएं और कोई भी एप्लीकेशंस को ले लेते हैं रिस्क लेवल 5 सेलेक्ट करके, लेट्स से हियर वी हैव द एप्लीकेशन ऑल पीयर्स, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ऑल पीयर्स, सो इसका रेंज रिस्क लेवल जो है वो 5 है. एंड हियर यस वी हैव द ऑप्शन हियर कैटेगरी, ये ऑप्शन पहले नहीं आता था पुराने वर्जन्स में पालो अल्टो के, यहाँ पे ये टैब नहीं होता था कस्टमाइज करके, बट अभी इन्होंने चेंज कर दिया 7 ऑनवर्ड्स आई बिलीव. तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे जाके एंड लेट मी चेक वेदर इट अलाउज और नॉट, देखते हैं थर्ड करते हैं हम लोग. और ये एप्लीकेशन कौन सा था, ऑल पीयर्स करके, ओके एंड देन लेट मी इसको मिनिमाइज कर दिया मैं, स्लो चल रहा है. और कमेंट दिस, सो नाउ लेट मी सेलेक्ट अगेन रिस्क लेवल 5 कैटेगरी, देखते हैं उसमें एक्सक्लूड किया कि नहीं, उसको यहां से पता लग जाएगा. तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया. ओके ऑलराइट, नाउ रिस्क लेवल 5, रिस्क लेवल 5 ऑल पीयर्स. और इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि हट गया यहाँ से. और यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं ऑल पीयर्स करके था, एंड यस हियर इट इज नाउ रिस्क लेवल 3. तो यहाँ पर तो ऑप्शन दे दिया इन्होंने, तो अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है. फिर आपको एक्सक्लूड करना हो तो आप रिस्क लेवल उसका चेंज करता है. अच्छा, जो रिस्क लेवल अब हमने किया तो उसको पॉलिसी में कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो पॉलिसी में जाके आपको और लेट्स से सबसे ऊपर बल्कि बनाना चाहिए, तो सेलेक्ट करके ब्लॉक वाला है तो वैसे भी ऊपर ही करना चाहिए हमें. ऐड करा मैंने और यहाँ पे मैंने कहा ब्लॉक रिस्क 5 एप्स, सो आई सेड सोर्स जोन inside source address any, not any, my address, destination address is any address, so destination zone is what outside, destination address is any, एंड एप्लीकेशन. अब यहाँ पे मुझे वो एप्लीकेशन फिल्टर लेना है जो मैंने नाम दिया था, बस नाम देना है यहाँ पे, तो ऐड और यहाँ पे एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर इसी में, अब आपको याद होना चाहिए वो हम लोगों ने नाम क्या दिया था उसका, रिस्क लेवल
फाइव ऐसे कुछ करके दिया था। ये बड़ा पंगा रहता है पालो आल्टो में, आपको नाम अच्छा चलो याद आ गया, ठीक है ये रहा रिस्क लेवल 5F, आपको कुछ इनिशियल्स उसका याद होना चाहिए, अदरवाइज विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट डिफरेंट एप्लीकेशंस। देन तो रिस्क लेवल 5F ले लिया, सर्विस को डिफॉल्ट एंड देन एक्शन हियर एंड ड्रॉप करा देंगे हम लोग, डिनाई डिनाई भी नहीं ड्रॉप, डिनाई में एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चला जाता है। एंड इफ यू वांट टू लॉग दिस सेशन एट द स्टार्ट देन यू मे सेलेक्ट दैट एंड ओके कर दिया मैंने। अब क्या होगा कि ये जो जितने रिस्क लेवल 5 एप्लीकेशंस हैं उनको ये ड्रॉप कर देगा मूव टॉप। तो इस तरीके से आप ये एप्लीकेशंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके एक और ऑप्शन, यहाँ पे तीन ऑप्शंस थे, मैं तीनों डिस्कस करना चाह रहा। तो पहला तो हम लोग बार बार देखिए ना एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन फिल्टर हम लोगों ने देखा और एक एप्लीकेशन ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे एप्लीकेशन ग्रुप क्या होता है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एप्लीकेशंस, और ये क्या था डायनेमिक ग्रुपिंग था यहाँ पे, और ये स्टैटिक ग्रुपिंग हो गया। स्टैटिक ग्रुपिंग मीन्स लेट्स से आपको फ्रीक्वेंटली एक रूल बनाना पड़ता है जिसमें यूजर्स को इंटरनेट मतलब ब्राउजिंग जो स्टैंडर्ड ब्राउजिंग है वो अलाउ कराना होता है, जिसका सिग्नेचर नहीं है इसके पास, जिसका सिग्नेचर नहीं है इसके पास, या दो चार एप्लीकेशन करने होते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन ग्रुप एक बना सकते हैं स्टैंडर्ड ब्राउजिंग एप्स या प्रोटोकॉल्स, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें जो जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्राउजिंग में हमें DNS चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ से DNS सेलेक्ट कर लिया। हम लोगों को जैसे वेब ब्राउजिंग चाहिए था तो वेब ब्राउजिंग ले लिया हम लोगों ने, जैसे SSL ले लिया। तो ये तीनों एप्लीकेशन को हम लोगों ने ले लिया। हालांकि अगर ये तीनों हम बार बार अलाउ करेंगे तो सिर्फ वो HTTP और HTTPS बेस्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द DNS अलाउ होंगे जिसका सिग्नेचर इसके पास नहीं होगा। लेकिन जैसे एक और मुझे अलाउ करना है जिसका इसके पास सिग्नेचर है गूगल बेस, तो सॉरी गूगल, तो ये हम लोग यहाँ से गूगल बेस सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और ये ओके कर लिया। अब क्या होगा जब कभी भी हम लोग पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो एक वन गो में हम लोग इस तरीके से एप्लीकेशंस को कॉल कर सकते हैं। कोई भी हमने एक एप्लीकेशन दिया, कोई नाम कुछ भी देते हैं फिलहाल, सोर्स जोन इनसाइट सोर्स एड्रेस एनी से नॉट एनी लाइक स्पेसिफिक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जोन इज आउटसाइड एंड डेस्टिनेशन डैश एनी एप्लीकेशन में जाएं। तो अब ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया फिल्टर का, और ये हम लोगों ने दिया स्टैंडर्ड जो भी नाम दिया था वो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया स्टैंडर्ड। तो हुआ क्या कि एक ही पॉलिसी से हम लोग सारे एप्लीकेशन को अलाउ कर देंगे टेस्ट वाले में, और यहाँ पे अगर हम लोग जाएं और यहाँ पे अब क्लिक करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन दिखा देगा कि जो जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके DNS वेब ब्राउजिंग SSL एंड गूगल बेस। सो इट्स वन ऑफ द वे लाइक कि हाउ टू जस्ट मिनिमाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। सो रादर देन पुटिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन वी मे क्रिएट ईदर एप्लीकेशन ग्रुप और एप्लीकेशन फिल्टर, एंड आई बिलीव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Application group is like static membership of applications. Application filter is dynamic membership of application. Dynamic membership on the basis of category, subcategory, characteristics, risk label. ये सब कुछ हम लोग के भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं, application, application group and application filters. और अभी तक जो बात हुई है इससे अभी हम लोग माइक्रो या सब एप्लीकेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक और बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करना पड़ेगा। SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी हमें इनेबल करना पड़ेगा, वही SSL डिक्रिप्शन पॉलिसी। तो अभी ये जरूर है कि अगर हमने एप्लीकेशन में गूगल चैट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, गूगल चैट चलेगा, और वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग डिक्रिप्ट नहीं करवा रहे हैं। तो अगर टनल बन गया क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो अगर ये फायरवॉल हमारा, यहाँ पे क्लाइंट है हियर लाइक सर्वर, ओवर हियर इंटरनेट क्लाउड, कहीं पे सर्वर है
अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में टनल बन गया, टनल बनते वक्त अगर इसने डिनाई कर दिया देन दैट्स परफेक्ट, बट अगर टनल बन गया देन आफ्टर व्हाट क्लाइंट इज पुटिंग इनसाइड दिस टनल कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय दिस फायरवॉल, बिकॉज टू कंट्रोल दोज एप्लीकेशंस आर नॉट एप्लीकेशंस, सब एप्लीकेशंस आर माइक्रो एप्लीकेशंस, वी हैव टू कॉन्फिगर हियर SSL decryption policy. It means at the very first place, client will not be allowed to successfully establish tunnel with the server. Client will be forced to negotiate tunnel with the firewall, and firewall will initiate another tunnel to the server. And once it is done, then yes, firewall would be able to inspect all encrypted traffic. ये हमें करना पड़ेगा. तो अभी तक जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, मेजर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, सब एप्लीकेशंस यूजिंग एसएसएल. हां, बिकॉज़ एग्जैक्टली बिकॉज़ वी हैव नॉट क्रिएटेड सो फार एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी. अभी तक हमने ये नहीं किया. तो टनल बनने के बाद टनल के अंदर को अगर ब्लॉक करना हो वो भी नहीं होगा. और ये एक छोटा सा लैब बीच में हम लोग कर लेंगे इसके ऊपर भी, वो नहीं होगा इसमें. और एक छोटी सी और बात बिफोर आई वाइंड अप टुडे सेशन, आज मेरा भी एक्चुअली में शेड्यूल है थोड़ा, कल एक्चुअल में कोई क्लास मैंने कराया नहीं, कल थोड़ा बिजी था मैं इधर उधर, तो कल के सारे बैचेस आ जाएं. तो एक छोटी सी और चीज कि जैसे सर्विस है यहाँ पे, ये सर्विस हम लोगों ने क्रिएट किया और भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. जैसे मुझे टेलनेट के लिए एक सर्विस क्रिएट करना है, तो सिंपल तरीका है टेलनेट टीसीपी पोर्ट एंड देन पोर्ट नंबर हियर 23 देन 23. अब अगर बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, सो इवन सर्विसेज कैन बी पुट अंडर दिस ग्रुप, सर्विस ग्रुप के अंदर. तो हम लोग ऐसी सर्विस को भी, हालांकि इसमें डायनेमिक का चक्कर नहीं है, इस स्टैटिक मेंबरशिप, तो ऐसे हम लोग सर्विस को भी एक ऐसे ग्रुप में डाल सकते हैं. लाइक ग्रुप बना लिया हमने इंटरनेट सर्विस या कुछ भी, या मैनेजमेंट सर्विस, एनीथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा मीनिंगफुल. एंड अंडर दिस मैनेजमेंट सर्विस वी मे टेक सम सर्विसेज लाइक हियर HTTPS आर मे बी टेलनेट आर समथिंग डिफरेंट लाइक. तो जब कभी रूल बनाएंगे हम लोग, तो ये पूरा हमें सर्विसेज भी ले सकते हैं हम लोग. तो सर्विस और सर्विस ग्रुप वही जैसे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ग्रुप है. सो द न्यू कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेशन फिल्टर्स ओनली, अदरवाइज यू अंडरस्टैंड लाइक ग्रुप इज नथिंग लाइक जस्ट ग्रुपिंग ऑफ एप्लीकेशंस आर ग्रुपिंग ऑफ सर्विसेज. एप्लीकेशन फिल्टर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इट्स डायनेमिक मेंबरशिप ऑफ एप्लीकेशन. तो आई होप कि ये नेट का आइडिया लग गया होगा, और जो बेसिक एक एप्लीकेशन का फंडा है